अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नाम अस्लान योची मलाना जुगार। आज जो है मेरे पास ये दो लाइटें अल्फाबेट वाली, जब नई नई शादी होती है ना तो उसमें ज़्यादातर लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, बाद में सड़ रहे होते हैं। लेकिन अब ये जो होते हैं ये सेल से चलते हैं ना, ये देखो इसके अंदर सेल लगे हुए होते हैं, ये तोशिबा के सेल है ना, ऐसे सेल लगे हुए होते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने करना है कि सेल को हटाने और इसमें लगाना है हमने ये रिचार्जेबल सेल। एक सेल पर ये आराम से चलेगा और इसको चार्ज भी करना है तो चार्जिंग के लिए हम लगाएंगे ये वाला सर्किट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल पे कैसी चल रही है। ये देखो ये ऑन हो गई, ये चल रही है, लेकिन इसके अंदर हम बैटरी लगाएंगे, सेल तो ख़त्म हो जाएंगे, इसको थोड़ी देर चलाएंगे तो कुछ टाइम चलाएंगे सेल बंद हो जाएंगे, इसमें बैटरी लगाते हैं कैसे मैं बताता हूँ। इसको साइड पर रखते हैं, सबसे पहले ए पे काम करते हैं, ए शुरू में भी आता है। ये देखो इसको ऐसे लगा हुआ है, इसको है ना यहाँ से खींचेंगे ना इजीली निकल आया। ये खेल कुछ ज़्यादा ही इजीली निकल आया, लेकिन मेरा लिए निकल आया। इसको मैंने पहले भी खोला था इसलिए, इसको नहीं खोला वो भी दिखाऊंगा। देखो इसकी दो वायर्स हैं, एक प्लस होगी एक माइनस होगी, प्लस जो बटन में जा रही है और माइनस जो यहाँ पे लग रही है। तो ये काय से इसको पहले निकाल लेते हैं क्योंकि हमने ये सारा सिस्टम ख़त्म कर देना है। अब प्लस माइनस लगा के चेक भी कर लेते हैं कि सेल पे लाइट सही चल रही है कि नहीं चल रही। सेल डिम है, बैटरी लो है, यानी इसमें जैसे बाकी कोई मसला नहीं है, चलेगी इससे भी तेज चलेगी। जो प्लस है ना, प्लस पे हम लोग लगा देते हैं गिठान तक याद रहे। अब ये पुराना बटन और सब ये सब है ना खत्म कर देंगे। बटन आ गए, साइड पर रख देता हूँ। अब यहाँ पे जगह बहुत है, कहीं भी सेल आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, नीचे इजीली आ रहा है, यहीं पे लगा देंगे। सो लगा के ग्लू से चिपकाएंगे पीछे। सबसे पहले सेल को ना यहाँ से इसकी ना पैकिंग थोड़ी सी फाड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस ये डॉट है, बाकी पूरा माइनस है, कहीं से भी लेंगे ना माइनस में। यहाँ पहले से लगाऊंगे सेल उन्हें निकाले, पुराने सेल है, मेरे घर की लाइट है तो खैर कोई बात नहीं। ये वहाँ पे ग्लू की स्टिक है, काय से ही पिघाल के लगा सकते हैं, तो मैं इसको फिलहाल काय से ही लगाने वाला हूँ। काय से पिघलता जाएगा, खुद नीचे गिरेगा और अपनी जगह पकड़ लेगा। दोनों तरफ से लगा देंगे, जरूरी नहीं है ग्लू गन नहीं हो, बस जगह पे ऐसा होता है ग्लू गन की जरूरत होती है, गन नहीं होती तो नहीं काम होता, यहाँ पे तो हो सकता है। वैसे कोई तरीका नहीं इसको लगाने का, तो हम लगा दें क्योंकि वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं, दुकान पे है, घर पे नहीं है, पर इसके ऊपर टांके वाँके लगा लेते हैं। इसमें देखो, इसमें गौर से देखने वाली बात है कि ना ये प्रिंट है बटन का, ये यहाँ पे जा रहे हैं प्लस पे जा रहे हैं, बटन पे हमेशा बटन ज़्यादा तो प्लस पे होता है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। यहाँ से एक तार लेंगे, एक दो माइनस से लेंगे और एक प्लस से लेंगे, यानी एक डायोड से लेंगे, एक ये माइनस के पॉइंट से दो तार लेंगे, एक बैटरी पे जाएगी और एक लाइट पे जाएगी, या लाइट की डायरेक्ट तार इसमें लगा देने की बात है। देखते क्या करते हैं, काम वही चेक करो क्वालिटी वाला, कोई देखे तो बोले वाकई ये काम होगा। ठीक है, अब ये इन वायर्स का ना ये अभी तक सूख गया होगा, थोड़ा बहुत गीला है, इसकी वायरिंग पहले कर लेते हैं। पहले ये वायर इस ये जो है ना ये सर्किट हमने लगाना इस तरफ, यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, ये थोड़ी सी जगह बना के इसके अंदर ऐसे यूँ लगाएंगे ताकि एक पट्टी खोलें तो चार्ज भी हो जाए, चार्ज भी तो करना पड़ेगा ना बाद में। और ये जो है इसकी जो ये चार्जिंग पेन है ना, ये एंड्रॉयड वाली पेन है, इसके ऊपर भी ग्लू लगा देते हैं ताकि ये निकले नहीं ईजीली, लंबा से चले। थोड़ा सूखने देंगे तो दूसरा सर्किट पे भी लगा लेते हैं, बनाने से दोनों ही अलर्ट है। इसको भी सूखने देते हैं, ये सेल सूख रहा है तब तक इसकी बारी, इसको खोलते हैं, खोलने कैसे
बिल्कुल इसी तरीके से खुल गए। यहाँ हल्के हल्के लॉक होते हैं छोटे छोटे, प्लास्टिक भी है और अनब्रेकेबल है ये, यानी फ्लेक्सीबल काफ़ी है, ये टूटता नहीं है। क्या भी सेम प्रोसेस है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी जो है सेल लगे हैं, सेल भी निकाल लेते हैं, गरीब में काम आ जाएंगे। ये तो हाल है, फिर बोलते शादी कराओ, कैसा कराओ, गाय से कर लेते हैं, इधर इसी में ही है। हमारे कैमरा मैन को ऐसी बता रही है, उनके साथ हुआ नहीं है ना, होएगा तो उनको पता चलेगा। कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे हमने लगाना इसको ऐसे, लकड़ी साइज कटे तो अच्छी बात है, तो ये बंद भी हो सके ना, ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा ना, ये बंद भी हो, थोड़ा इसको और काट लेते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक वगैरह पिघलने के बाद ना काहे की बिल्कुल साफ करना ज़रूरी है। ये जो मेरा वायर है ना, मैं वायर की पूरी साफ कर लेता हूँ, ये स्त्री का वायर है, कपड़ा लगा हुआ इसके ऊपर, जो इसके ऊपर ये लग जाएगा इजीली। इसमें एक मसला आ रहा है, बटन इसका कर, बटन भी कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल सही से पैक हो गया, ढक्कन लेट हो गया, मतलब ये यहीं पे लगेगा, इसको भी निकाल लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा काम करना है, एंड में सबसे एंड में यही लगेगा। तब तक हमारा ये सूख गया होगा, सूख गया, इसका प्लस माइनस के वायर बाहर निकाल लेते हैं, ये जो जगह है ना पिन लगी निकल गई, ये भी रख संभाल के रखने की होती है, अक्सर काम आती है, कभी रिमोट मोड के स्विंग गल जाते हैं तो ये काम आ जाता है। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, गौर से देखो नज़र आएगा, एक प्लस एक माइनस, अब यहीं से हम प्लस माइनस के वायर निकाल लेंगे ताकि अपने को लगाने में आसानी हो। फिर इसकी पहले बॉडी काटनी है, पहले बॉडी काट लें इसके बाद इसको। अगर आप बिल्कुल भी गर्माइश बर्दाश्त नहीं कर सके तो चिमटे से पकड़ लेना, तो यूं भी हो जाता है। लगा के चेक कर लेते हैं, चार्जिंग पिन वाली साइड जो है ना बाहर की तरफ ही रखनी है ना, मोए मोए हो गया ये तो, छोटा इसको बड़ा करते हैं, तोड़ देना बटन दबाने में और आसान ठीक है, बटन भी इजीली दबेगा, सब काम इजीली हो जाएंगे, जिंदगी हो जाएगी आसान। आवाज आ रही होगी, बटन पुश कर रहा हूँ, प्लस माइनस पहले वायर करते हैं, प्लस है, प्लस यहाँ पे है, माइनस तो मैं काटा है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हमें, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है और नौ मई की मजम्मत करनी है, इसके बाद फिर कैंची लेनी है, वायर को थोड़ा छोटा कर देंगे। अब देखो अब करना क्या है कि प्लस, ये जो बैटरी का प्लस आ रहा है ना, ये लगेगा बटन की इस साइड पे, ये डायोड वाली साइड जो है, डायोड जहाँ पे आ रहा है ये वाली साइड पे लगेगा, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, पूरा प्रिंट चल रहा है, कोई मर्जी जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक कोने तक प्रिंट चल रहा है, कहीं भी लगा देंगे जहाँ सूटेबल हो। और ये सब प्रिंट है, इसमें अगर यहाँ बीच में भी मटाका लगाऊंगा ना लग जाएगा, जो ग्रीन प्रिंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है।
प्लस पे लगाएंगे। हो गया ये लग गया सर्किट। अब इसमें हमने लगाना है इसके जो ए है ना ए, इसकी वायर लगानी है। प्लस वन में घिठान लगाई थी उसमें हम एज यूजल लगाना भूल गए, घिठान लगाना भूल गए, कोई मसला नहीं है। दोनों तार इस होल से बाहर कर देंगे, ये मर्जी है जहाँ से भी बाहर करो, जहाँ से सूटेबल हो। जरूरी नहीं है यहाँ से किया तो यहीं से ही करना, डॉक्टर की मर्जी नहीं है। ये हो गया इसको फिट कर दे। लॉक में बैठ गया अच्छे से, ठीक है। बस अभी दो वायर्स, एक ये दो प्लस वाली वायर है आने की तरह दूर करके, तो इसको थोड़ा ज़्यादा खींचने तो अच्छा है। जरूरत पड़ी तो बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये माइनस वायर है और ये प्लस वायर है, ठीक है। प्लस जो है बटन के इस साइड पे लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। माइनस इस पे लगेगा, माइनस का भी पूरा प्रिंट है, जहाँ सूटेबल हो लगा दो, लगा के साथ लाइट बढ़ाओ। बढ़ देते हैं, कंजूसी नहीं करते। ऑन जो है ना यहाँ पे आ नहीं रहा सही से, प्लस की वजह से। प्लस का तार निकाल के एक और तार लगा देते हैं, ये हमारे पास तार है। लग गया हमारे प्लस का वायर, तो इसके साथ जॉइंट करके टांका लगा देंगे, फिर वायर को अंदर खींच लेंगे। तो काटा कटी कर ही दिए तो थोड़ा सा टेप भी लगा ही देते हैं। टेप वायर में अंदर चला गया, इसको ऐसे लगाना है। वायर का भी कुछ करना पड़ेगा ताकि तरतीब रहे ना, ये तो पता लगेगा। अब इसको हम लगा के चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फिर चार्ज पे लगाते हैं, देखो चार्ज की लाइट भी जल रही है, चार्ज की तेज भी जल रहा है, वी आई बिगड़ होगा। या अब इसको थोड़ा सा सर्किट को ना यह चिपकाना है, चीज हटा देते हैं, डेंजरस। इसको जो है ग्लू लगा के इसको भी चिपका देते हैं ताकि काम कम हो जाए। जहाँ सेटिंग बने ना वहाँ लगा दे, जरूरी नहीं कि इधर ही लगे या उधर ही लगे। ये वैसे ही फंसा हुआ भी है, पीछे ही रहना है तो निकलने का कोई चांस है नहीं। इसलिए चार्जिंग के दौरान एहतियात करना पड़ेगा, बेहतर
देखो बराबर बैठ गया, तो थोड़ा सूखने देंगे, सूख जाएगा फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, कैसा बेहतरीन, अच्छा लगा नहीं लगा? अच्छा लगे ज़रूर बताना कमेंट में भाई, मेहनत की है मैंने। इसको भी ऐसे खुला छोड़ देते, सूखने देते। चलो ए का काम तो हो गया, अब बारी है एस की। इसको भी चेक करते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बेहतर जाने, कोशिश कर सकते हैं। अच्छा इसके वायर्स जो है ना वो काफ़ी छोटे हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ से इसके वायर यहाँ तक आ जाएंगे, हाँ तो जी बस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो अभी से ही कर लेते हैं, बाद में करने से बेहतर है। कुछ वायर्स पड़े हुए इनको इसके साथ लगाना है, प्लस मैंने इसकी खैर उल्टा भी लग जाएगा तो मसला नहीं, चेक करेंगे, चली तो ठीक, नहीं चली तो घुमा देंगे, तार परेशानी वाली बात नहीं है। रिलैक्स हो गया काम, रिलैक्स गरीबो, रिलैक्स हो गया। हल्का हल्का टाका लगाओ, टेप थोड़ी लगा देंगे, जब करो भाई, महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, थोड़ी थोड़ी लगाओ जितनी थोड़ी हो सके। वायर को हम नीचे पास करेंगे, देखते हैं क्या होता है, सही आती है, सही आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखते हैं, पहले सेल लगा देते हैं, सेल सेल को वापस अच्छे काटेंगे थोड़ा सा, इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहीं पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं सर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, यहीं से तार भी बाहर आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। गरम गरम मैंने एक ही जगह से चिपकाया था, इनका सेंटर से चिपका था, इसमें मैं दो जगह से चिपका रहा हूँ, इनका सेंटर में नहीं चिपका। थोड़ा सा सूखे फिर इसके ऊपर करते हैं काम, तक जो काम हो सकता है फिर वो कर लेते हैं। वायर हमारे पास बड़े हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, वायर अगर छोटे होते तो टेंशन होती। यूनियन काम, चारों वायर एक ही जगह से आ रही हैं, दो प्लस है, दो माइनस है, कौन सी प्लस है, कौन सी माइनस है, वो देखनी पड़ेगी। अब मैंने इसमें निशानी तो नहीं लगाई, अब मैं क्या करूँगा, पहले चार्जर कनेक्ट करूँगा, चार्जर लगाऊंगा सर्किट में, प्लस माइनस मुझे पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो सिंपल लाइट लगा के चेक कर लेंगे, इससे आइडिया हो जाएगा। एक प्लस पर लगाएंगे, एक माइनस पर लगाएंगे, ठीक है नहीं चलेगी तो घुमा देंगे, अब तार घुमा देंगे, चलो ये प्लस है ये माइनस है, अब देखते हैं इसमें क्या है। ये प्लस है लाइट का, ये बैटरी का, माइनस है लाइट का, ये बैटरी का माइनस है, ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा चले होते हैं एक साइड से, ठीक हो गया। अब ये है प्लस लाइट का, प्लस लाइट के साथ बैटरी का प्लस, बैटरी का एक ही तरफ लगते हैं, एक ही प्रिंट पे लगेंगे तो कहीं भी लगा।
क्या बात है। चलो ये लग गया, इसको ऑन करके देखते हैं ऑन हो गया। ठीक है, नजर आ रहा होगा ये सेल पहले से अच्छा खासा चार्ज है, अच्छा खासा नहीं थोड़ा सा चार्ज है। चार्ज में लगा बल्कि चार्ज के बाद में लगाएंगे, पहले इसकी करते हैं फिटिंग। अभी ये अंदर की पट्टी इसकी भी तोड़नी पड़ेगी, तोड़ने तो अच्छा रिजल्ट आया है। बटन यहाँ इजीली दबेगा, चार्जर तो कनेक्ट ही है, लगा के देख लेते हैं, फाइनल चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लगा के और तेज हो जाता है, देर हो गई। दो का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा नहीं क्यों काम करते हैं, खोल लेते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है का जो, देखो ये एक से बढ़कर एक होता है ना, यानी पहले जो बनाया था उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं थी इतनी, इसमें तो वायर भी ज्यादा अच्छे तरीके से पास हुआ। मैंने भी पहले कभी किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किया तो नए तरीके से किया, नया तरीका था, एक किया तो दूसरे में अच्छा बेहतर तरीका मिल गया। कोई फंस गया है यहाँ पे, सर्किट बंद होगा, बिल्कुल हो गया बंद। यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ये भी हमारी हो जाएगी तैयार। सर चार्जर में करते हैं डिस्कनेक्ट, जब तक सूख रहा है हम एक को देख लेते हैं। गर्म गिल गया थोड़ा ख्याल चल रहा करो, मैं भी ऐसे ही रख देता हूँ। लाइट जल्दी चार्ज भी हो रहा है, ठीक है कर दिया, इसको ऑन करते हैं, बटन कर दिया बंद, ये हो गया रेडी। पहले चलता रहे, इस भी हो गया रेडी, इसकी तकरीबन रेडी है। एस1 हो गया रेडी, ठीक है भाई। मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया तो कमेंट कर देना लाजमी, इससे क्या थोड़ा अप्रिशिएट होते हैं। जो इसके कलर में फॉल्ट था वो भी देखो सही हो गया खुद ब खुद, कोई सा मसला नहीं होता कलर का, कोई खास फर्क नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।